पर निकल कर आती है प्ले स्टेशन की ओर से। अगर आपके पास प्ले स्टेशन है तो आप 1080p में स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर पाएंगे। अभी तक लिमिट थी 720p पर, अब उन्होंने बढ़ाकर 1080p पे कर दिया इसे, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं अच्छी तरह से। हमारी अगली खबर निकल कर आती है रियलमी क्यू सीरीज की ओर से। रियलमी ने Q3, Q3 Pro, Q3i को लॉन्च किया है। इसमें हमें Q3 में हमें स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिल जाता है, Q3i में डायमंड सिटी 700 देखने को मिल जाता है, और Q3 Pro में मेडियाटेक का डायमंड सिटी 1100 देखने को मिलता है। बाकी देखते हैं रियलमी इसे कब और किस कीमत पर लॉन्च करती है। और हमारी अगली खबर निकल कर आती है वन प्लस के गेमिंग ट्रिगर की ओर से। और जिस वन प्लस ने लॉन्च किया था अपना गेमिंग ट्रिगर एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए, इसकी कीमत है 1099 रुपया। अगर आप भी गेमिंग ट्रिगर को लेने में इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं। और हमारी अगली खबर निकल कर आती है सैमसंग के 5G फोन की ओर से। सैमसंग A52 एक 5G फोन होने वाला है। इसे सैमसंग जल्द ही शायद लॉन्च करे, देखते हैं आगे इसे सैमसंग कब और किस कीमत पर लॉन्च करता है, तो देखते हैं। और हमारी अगली खबर निकल कर आती है HTC के एक VR हेडसेट की ओर से। HTC ने एक अपना VR का हेडसेट डिज़ाइन किया है। HTC का कहना है कि ये कॉन्सेप्ट है, मगर देखते हैं इसे कंपनियां की लॉन्च करती है या नहीं, और अगर करती है तो किस कीमत पर लॉन्च करती है। हमारी अगली खबर निकल कर आती है एप्पल के एयर टैग की ओर से। इसे हम लोग अगर किसी भी डिवाइस में अगर एंड्रॉयड या iOS उसमें अगर NFC सपोर्टेड है तो हम लोग उसके NFC की मदद से हम लोग एयर टैग को खोल सकते हैं। बाकी देखते हैं। और हमारी अगली खबर निकल कर आती है रियलमी के एक और RMX 3161 स्पॉट हुआ है गीगबेंच पे। इसमें स्नैपड्रैगन 750G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। देखते हैं ये कौन सा मॉडल बन के इंडिया में आता है और किस कीमत पे आता है। मेरे ख्याल से ये अंडर 20,000 आना चाहिए दिस ये फ़ोन। बाकी देखते हैं कब तक इसे रियल लॉन्च करती है। हमारी अगली खबर निकल कर आती है ओप्पो A94 5G की ओर से। ये शायद ये ओप्पो का A94 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया में, देखते हैं इसे कब तक लॉन्च किया जाता है। और इंडिया में शायद ये ओप्पो Reno5Z बन के आए। बाकी देखते हैं ओप्पो इसे कब और किस कीमत पर लॉन्च करती है। इसमें हमें डायमंड सिटी का 800U देखने को मिल जाएगा। हमारी अगली खबर निकल कर आती है एप्पल की ओर से। एप्पल ने अपनी ऐप प्राइवेसी के लिए अपडेट जारी कर दिया है। देखते हैं एप्पल प्राइवेसी में तो ऐसे भी आगे नंबर वन पे रहते ही हैं, बाकी देखते हैं क्या करता है एप्पल। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, हमारी टेक न्यूज़ समाप्त होती है। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।